कभी भी किसी के लिए और समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लिए है राजनीतिक दल कभी किसी विशेष जात के विरोधी नहीं होते हैं ये तो अपनी अपनी सोच या समझ या कौन क्या कह रहा है ये तो उनकी अपनी मर्जी होती है कहने की अगर ये बयान आया है तो मायावती जी को कहीं ना कहीं ये डर है कि उनका जो वोट बैंक रहा लगाता है लगातार दलित जिनके नाम पर वो राजनीति करती रही हैं वो लगातार है, हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ रहा है सन दो शुरू हुआ लोकसभा की गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक है जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपने बयान दे रही हैं वहीं एक और जहां मंदिर का मुद्दा चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विपक्षी पार्टियां आपस में भी बयान दे रही हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अखिलेश यादव को लेकर के बयान दिया कि वह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और गिरगिट कह डाला तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दलित विरोधी पार्टी भी समाजवादी पार्टी को ठहराया है मेरे साथ यहां पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए वो कार्यकर्ता हैं 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 वह यादव समाज के लोग लोग यह क्या सोचते इसके बारे में और राजनीतिक स्थिति इनकी क्या है क्या विचारधारा है किस तरह चुनाव को लेकर के जो बयान शुरू हुए हैं इन सब पर इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे क्या नाम है आपका पुष्पैन यादव पुष्पन जी जिस तरह से अभी बसपा प्रमुख ने अखिलेश यादव के लिए गिरगिट शब्द का प्रयोग किया वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कई बार दलित विरोधी भी कहा समाजवादी पार्टी को आपको क्या लग रहा है कि ये इस तरह के बयान क्यों आ रहे देखिए वो तो सब राजनीति है सबसे पहले तो मैं उन्हें जो भी है वो समाजवादी पार्टी जो एक दलित का साथ लेकर चल रही है ऐसा नहीं है कि तो विरोधी है दलित वो तो अभी जितने भी चुनाव हैं आगे होने वाले हैं वो हमेशा सबका साथ देंगे मायावती भी अखिलेश जी भी सब एक दल सबको जिस तरह से वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो बहुत नहीं वो तो राष्ट्रीय नेता हैं हम लोग कुछ ऐसा नहीं कहेंगे कि उनको कोई बुरा लग जाए वैसा कुछ नहीं है उनके अंदर वो ठीक है और भी हैं आगे देखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करते हैं क्या नाम है सर कमलेश यादव कमलेश जी मायावती ने तो अखिलेश जी को गिरगिट तक कह दिया क्या लग रहा है आपको कि इस तरह के बयान किस तरह का प्रभाव डाल रहे हैं मायावती जी का आज जन्मदिन भी है मैं उनको उनके जन्मदिन पर बधाई देना चाहता हूँ और वो राष्ट्रीय लेवल की नेता हैं हम सिपाही हैं पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम उनके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलते जहाँ तक गिरगिट की बात है वो उनके समकक्ष नेता हैं वो उनको जवाब देंगे हमारी समाजवाद पार्टी सभी वर्गों को लेके चलती है और इसीलिए उसका समाजवाद नाम है ऐसा जो उन्होंने कहा है कि दलित विरोधी है हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी दलित विरोधी नहीं है इसमें सब वर्ग के लोग जुड़े हुए और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है बयान इस तरह के आना क्या लगता है कि ऐसे मौके पर क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है कहीं ना कहीं किस तरह का प्रभाव है राजनीतिक कोई स्टंट हो सकता है या फिर कोई सामान्य उनका विचार ही है कि आज उनका जन्मदिन है उनको बधाई देता हूँ इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ क्या नाम है राजू यादव बहुत आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे चौबीस का चुनाव भी नजदीक है बहन मायावती ने तो कह दिया अखिलेश यादव के लिए गिरगिट तक शब्द का प्रयोग कर दिया दूसरी तरफ उन्होंने इससे पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है क्या लग रहा है आपको कि ये चुनाव की स्थिति है या फिर वास्तविक में वो कहीं ना कहीं कोई द्वेष है क्या विचार ऐसा है ये बड़े नेता लोग हैं ये अपने स्तर से क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं चीजों को ऐसा नहीं कहने चाहिए कि कभी भी किसी के लिए और समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लिए है राजनीतिक दल कभी किसी विशेष जात के विरोधी नहीं होते हैं ये तो अपनी अपनी सोच या समझ या कौन क्या कह रहा है ये तो उनकी अपनी मर्जी होती है कहने की। के लिए यादव के लिए अपमानजनक शब्द नहीं लगता नहीं वो तो है ऐसा उनको नहीं कहने चाहिए था किसी तरीके से ये अपनी अपनी उनकी सोच और विचारधारा है जिस तरीके से उन्होंने कहा राजनीति में ऐसी बातें नहीं की जाती हैं ये कहना उनका बहुत गलत है अगर उन्होंने कहा है तो सर क्या नाम है सीताराम कश्यप जिला सचिव समाजवादी पार्टी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बसपा प्रमुख ने इस तरह का बयान दिया है गिर कहा दलित विरोधी कहा क्या लगा आपको कि कहा की? 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 ये की? इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं अब राष्ट्रीय नेता का जैसा बयान आएगा उसके आधार पर ही हम लोग अपनी बात कर पाएंगे उससे पहले हम लोग इस पर कोई टिका टिप्पणी नहीं करेंगे अगर आपके नेता के लिए कोई अपशब्द कहा जाता है तो आपको क्या बुरा नहीं लगता नहीं बुरा लगता है लेकिन अब पार्टी का क्या सोच है कैसे बात करते हैं उस आधार पर ही हम लोग अपनी बात करेंगे सर क्या नाम सचिन यादव सचिन जी अखिलेश जी के लिए गिरगिट शब्द का प्रयोग बहन मायावती की तरफ से दलित विरोधी समाजवादी पार्टी ऐसे भी बयान आए हैं आज के दिन इस तरह की बात कहना कितना उचित है और क्या लगता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए देखिए देखिए ऐसा है आदरणीय मायावती जी का आज जन्मदिवस है तो उन्हें सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय डिम्पल यादव जी का जन्मदिवस है उन्हें भी बधाई आप लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार जब से पिछली बार उन्नीस का गठबंधन हुआ था उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार मायावती जी का सम्मान रखा और अपने कार्यकर्ताओं को भी एक हिदायत दी थी कि मायावती जी के खिलाफ अगर कोई बात कोई व्यक्ति करता है तो वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ होगी ये माना जाएगा लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं और अभी सूचना प्राप्त हुई है आपके माध्यम से न्यूज चैनल के माध्यम से कि अखिलेश जी के बारे में उन्होंने कहा है कि गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं तो ये बातें उन्हें राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद उन्हें शोभा नहीं देती मायावती जी को क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारे नेता लगातार उनका सम्मान कर रहे हैं तो उन्हें भी ये देखना चाहिए कि एक राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जिनकी जिनका मुख्य दल है विपक्ष में भाजपा के बाद अगर कोई उत्तर प्रदेश में दल है तो समाजवादी पार्टी है और आप लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग और नेता और आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार दलितों के सम्मान की बात करते हैं और आप लोगों को पता होगा कि बसपा से ज़्यादा आज की डेट में समाजवादी पार्टी में दलित नेता हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरा खुद का मानना है कि अगर ये बयान आया है तो मायावती जी को कहीं ना कहीं ये डर है कि उनका जो वोट बैंक रहा है लगातार दलित जिनके नाम पर वो राजनीति करती रही हैं वो लगातार है, हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ रहा है इस वजह से हो सकता है उन्हें लग रहा हो और ख़ास करके आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी नेता कोई भी दल अगर किसी का आप अपमान करेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है क्या ये दलितों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या ये प्रत्येक समाज के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है सबको दिखाई दे रहा है लेकिन अब ये चुनाव है चुनाव आने वाला है इसमें सब लोग देखेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार कहते रहे हैं कि वो बहुत सम्मानित नेता हैं मायावती जी इसलिए हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं ऐसी बात नहीं लेकिन उन्हें भी अपने हमारे लोगों के हमारे नेता के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए ये शोभा नहीं देता लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी अति दलित पिछड़ा पिछड़ा वर्ग के इन सब के विरोधी पार्टी है और इसके साथ साथ जहाँ कहीं भी कोई गठबंधन की बात आती है तो सबसे पहले अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बसपा को शामिल ना किया जाए वो अपनी शर्त रखते हैं तो कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाते हैं तो यह, यह प्रतिक्रिया क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसी देश से देखिए मैंने अभी पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि बसपा के ज्यादातर नेता जिनके पास दलित बोर्ड थे या फिर वो बड़ी संख्या में लोकप्रिय थे वो वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं इसलिए हो सकता है कि वो किसी के इशारे पर किसी राष्ट्रीय दल के इशारे पर वो ये कह रही हूँ ऐसा हो सकता है और मुझे ये कोई कहने में गुरेज नहीं है कि मायावती जी को हमें लग रहा है इस समय वो किसी दूसरे के हाथों में खेल रही हैं इसमें कोई दो राय नहीं है मैं पुनः उन्हें जन्मदिवस की बधाई दूंगा मेरे साथ और भी लोग हैं जानेंगे वरिष्ठ लोग हैं क्या नाम है महेश ब्रजेंद्र यादव सर आज जो बयान आया मायावती की तरफ से कि उन्होंने कहा जिस तरह ये है अखिलेश यादव तो इस शब्द का प्रयोग आपको क्या लगता है कितना आहत करता है जैसा आपके माध्यम से पता लगा अभी अखिलेश जी के बारे में उन्होंने ये शब्द कहा है ये बहुत निंदनीय शब्द है और हम लोग इस बात की बुरी बुरी निंदा करते हैं कि मायावती जी को ऐसे शब्द मानी अखिलेश यादव जी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां तक दलित विरोधी की बात है तो वो ये उन, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि माननीय काशी राम जी को लोकसभा में पहुंचाने वाले माननीय इटा माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी थे और इटावा की ही वो जनता थी जिन्होंने उन्हें पहली बार लोकसभा में पहुंचाने का काम किया वो समाजवादी लोग थे जिन्होंने माननीय काशी राम जी को इतना बड़ा जो उनका चेहरा बना जो दलितों के नेता बने उसमें उनका भी सबसे बड़ा योगदान रहा और आज अगर आप बात करते हैं समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी में तमाम बड़े बड़े दलित नेता हैं और माननीय अखिलेश यादव जी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के बड़े नेताओं में हैं इसलिए मायावती जी को ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए और उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्या नाम है सर अनिल प्रताप सिंह जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी इटावा अनिल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए गिरगिट जैसा शब्द का प्रयोग मायावती के द्वारा किया जाना आपको कितना परेशान कर रहा है क्या राजनीतिक स्थिति क्या है और क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों बयान मायावती जी देश की बड़ी नेता हैं बहुत अनुभवी हैं उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था अगर उन्होंने किया है जैसा आप बता रहे हैं आपके माध्यम से जानकारी हुई है तो ये निंदनीय है वो बहुत बड़ी नेता हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि वो बड़ी नेता हैं और पार्टी के लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए हम लोग सब उनका सम्मान करते हैं जन्मदिन पर बधाई भी देते हैं लेकिन उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यहाँ तक दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं इतिहास गवाह है चार चार सरकारें समाजवादियों की रही हैं दलितों के उत्थान के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई बाबा साहब अम्बेडकर जी के पार्क और मूर्तियां जितनी बसपा ने नहीं लगाई होंगी उससे ज्यादा समाजवादियों ने लगाई हैं इसके बावजूद भी अगर ऐसी शब्दों का वो इस्तेमाल करती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए रही रंग बदलने की बात इसका भी इतिहास गवाह है प्रदेश की जनता गवाह है के रंग कौन बदलता है किसने बदले हैं समाजवादी कभी रंग नहीं बदलते हैं अपने उसूलों पर अपने नियत पर कायम रहते हैं और सबके उत्थान के लिए दलितों के लिए पिछड़ों के लिए अगड़ों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए सबके उत्थान की नीतियां बनाते हैं और उस पर काम करते हैं लेकिन जैसे वो लगातार ये भी हमलावर रही हैं कि समाजवादी पार्टी जो है दलित विरोधी है अति पिछड़ा दलित विरोधी है क्या लगता है कि इस तरह के हमले जो आते रहे हैं उसके पीछे भी कोई मनसा मनसा हो सकती है उनको किसी से डर और भय सता रहा है उस डर और भय के उसमें हो सकता है कुछ बयान दे रही हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ धरातल पर नहीं है समाजवादियों ने हमेशा दलितों शोषितों की आवाज उठाई है पिछड़ों की आवाज उठाई है उनके लिए अपनी सरकारों में पिछले चार सरकारें समाजवादियों की रही हैं चाहे नेताजी सरकार में रहे हो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार में रहे हो दलितों के लिए पिछड़ों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए अगड़ों के लिए सबके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई और उस योजनाओं का उन्होंने जो है लाभ पहुंचाया सभी वर्गों के लिए सभी वंचितों के लिए क्या नाम है चंदू यादव सक्रिय सदस्य समाजवादी पार्टी आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अखिलेश यादव के लिए उन्होंने गिरगिट कहा ने क्या लग रहा है कोई इस तरह के बयान उनको देने चाहिए आपको कितने आहत कर? वो राष्ट्रीय बड़ी नेता है उनको इस तरीके बयान शोभा नहीं देते उनको इस तरीके की बयानबाजी नहीं करना चाहिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि देश के जितने भी बड़े नेता हैं उनका सबका सम्मान करना चाहिए ऐसी स्थिति में वो लगातार समाजवादी पार्टी पे भी हमला करती रही उन्होंने कहा ये दलित विरोधी है ये पार्टी जो है कहीं कही ना कहीं दलितों के हित की बात नहीं करती है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव आदर जी ने एक नारा दिया पीडीए पी डी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ो सबको लेके हमारे नेता जी चल रहे हैं और सबके लिए सबके उत्थान के लिए कार्य कर रही है समाजवादी पार्टी देखिए ये सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यादव समाज के लोग थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि बड़े नेता के लिए कोई भी बयान इस तरह का देना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए देना उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहा कि यह शोभा नहीं देता है लेकिन हम लोग नहीं चाहेंगे कि इस तरह मायावती के लिए कोई भी इस तरह के बयान दें जिससे कि हम अपने संस्कार खोएं अब देखने वाली बात है कि यह बयान राजनीतिक है या फिर वाकई कहीं ना कहीं किस तरह का राजनीति में प्रभाव डालते हैं यह 2024 के चुनाव में पता चलेगा अमित तिवारी यूपी तक इटावा